जन लोक शक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ संकल्प इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़े के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए संकल्प इंस्टीट्यूट के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन दिया और इंस्टीट्यूट के खिलाफ जांच के बाद कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुरादाबाद में भी रेवड़ी मूंगफली की तरह मोटी फीस लेकर मेडिकल की डिग्री डिप्लोमा बांटने का पर्दाफाश हुआ है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी मुरादाबाद से ज्ञापन के माध्यम से की गई है। शिकायतकर्ता डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने बताया कि रामगंगा बिहार स्थित एक आवासीय बिल्डिंग में नेचुरोपैथी का एक बोर्ड फर्जी रूप से चल रहा था, जहां पर मोटे फीस लेकर छात्रों को BNYS, DNYS आदि के डिग्री डिप्लोमा दिए जाते थे, जबकि डिग्री डिप्लोमा देने का अधिकार सिर्फ यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रजिस्ट्रेड शिक्षण संस्थान को है, लेकिन यहाँ तो फर्जी इंस्टीट्यूट संचालित कर अवैध बोर्ड की आड़ में डॉक्टर बनाने का कारोबार चल रहा था। जब इसका मामला मीडिया तक पहुंचा तो आनन फानन में मेरठ के बोर्ड को बंद कर दिया गया तो संकल्प को भी संचालक ने ताला लगा दिया। जब मामला शांत हुआ तो इसी नटवरलाल ने BYNSM बोर्ड तैयार कर लिया और फिर से रेबड़ी मूंगफली की तरह नेचुरोपैथी के डिग्री डिप्लोमा बांटने लगा। इस पूरे मामले की शिकायत मुरादाबाद जिलाधिकारी से ज्ञापन के माध्यम से की गई है। सर्वजन लोक शक्ति पार्टी के पदाधिकारी DM कार्यालय मुरादाबाद पर धरना प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित ज्ञापन में फर्जी डॉक्टर नितिन सहगल पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। या तो कि डॉक्टर फर्जी नितिन सहगल एक फर्जी बोर्ड बनाकर संकल्प इंस्टीट्यूट खोलकर फर्जी मेडिकल डिप्लोमा आदि छात्रों को बांट रहा है, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है और BYNS की डिग्री आदि बांटकर फर्जी छात्र डॉक्टर तैयार कर रहा है, उन्हें डेढ़ डेढ़ दो दो लाख में डिग्री देता है। डॉक्टर लोग डिग्री लेकर क्लिनिक खोल लेते हैं, उसके बाद में जब CMO ऑफिस को पता चलता है तो CMO ऑफिस पर कार्रवाई करता है। ये सब फर्जी ड्रामा कर रहा है, इस पर किसी भी प्रकार का एलोपैथिक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में प्रदेश में दिल्ली में किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं है और जो फर्जी प्रमाण पत्र बांट रहा उस पर भी किसी प्रकार का कोई एड्रेस कोई फ़ोन नंबर नहीं है। ये सब फर्जीवाड़ा कर रहा है, करोड़ों लाखों रुपए कमा रहा है। इस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाए। अगर शीघ्र ही कार्रवाई नहीं की गई तो सर्वजन लोक शक्ति पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।